अगर आपने रिसेंटली ब्लड टेस्ट करवाया है और आपका ब्लड शुगर लेवल हाई दिखा रहा है, HbA1c हाई है, तो आपको शायद डॉक्टर ने बोला है कि आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो। अब नेचुरल कोर्स में आपको चिंता होती है फिर क्या खाया जाए क्या नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग हमें ये आके पूछते हैं कि हम फ्रूट खा सकते हैं, क्या आप मीठी फल खा सकते हैं। देखो, ये वीडियो इसी के बारे में है। सबसे पहली बात, आपको तीन चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। एक है क्वालिटी, एक है क्वांटिटी, एक है फ्रीक्वेंसी। मतलब आप क्या क्वालिटी की फ्रूट खा रहे हो, क्या क्वांटिटी में खा रहे हो, और तीसरा क्या फ्रीक्वेंसी में खा रहे हो, है ना। सबसे पहले तो क्या मैं फ्रूट खा सकता हूँ, मतलब मुझे डायबिटीज है। यस, आप खा सकते हो। देखो, आप ना सिर्फ फ्रूट को, इसकी जो भी खूबियां हैं, इसकी जो भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, उसको रिड्यूस करके सिर्फ शुगर में कन्वर्ट मत कीजिए। एक चीज आप ऑनेस्टली बताओ, जब आपके सामने एक ब्राउनी पड़ा होता है तब आप इतना सोचते नहीं हो, आप खा लेते हो। अगर आपके सामने एक लड्डू पड़ी होगी तो आप इतना सोचोगे नहीं, आप खा लोगे। पर आपको कोई मैंगो ऑफर कर दिया और आप डायबिटिक हो, आपकी तो एकदम शामत आ जाएगी। आप चिल्लाने लगोगे कि क्यों मुझे मैंगो दिया, नहीं मुझे तो डायबिटीज है, मुझे तो मैंगो नहीं खानी। हमेशा आप एक चीज़ नोटिस करना, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो बहुत डरते हैं चावल से, बहुत डरते हैं बनाना से, फिर मैंगो से। ये सब चीज़ें आप मान के चलते हो कि नहीं नहीं ये खाने से मुझे डायबिटीज़ बढ़ जाएगा, पर एक्चुअली जो खाना खाने से आपको डेफिनेटली ब्लड शुगर लेवल में एकदम भूचाल आ जाएगा, वो वाले खाने आप छोड़ नहीं पाते हो। जैसे कि बिस्किट, जैसे कि ब्राउनी, जैसे कि कोई भी मीठा खाना, कोई भी संदेश हो गया है, कोई भी गुलाब जामुन, जलेबी, जो भी हो गया, वो सब खाने से पहले आप इतना नहीं सोचते, है ना। तो चलो, सबसे पहले तो यस, आप फ्रूट खा सकते हो अगर आप डायबिटिक हो। दूसरी बात, कौन सा फ्रूट खाया जाए। एक चीज आप समझ लो, जब आप फ्रूट खाते हो ना, फ्रूट में जो शुगर होती है उसको हम बोलते हैं फ्रुक्टोज। तो जब आपने कोई फ्रूट खाया, आपने फ्रुक्टोज की कंजम्पशन की, डाइजेशन के बाद वो फ्रुक्टोज ग्लूकोज में बदल जाते हैं, है ना। अब ये देखा गया है कि जब आप कोई भी फ्रुक्टोज लेते हो ना, फ्रुक्टोज आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को उतना ज्यादा शूट अप नहीं करता है जितना नॉर्मल जो टेबल्स जो ग्लूकोज या सुक्रोज से जो आती है वो करता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आप ऐसे ही मत सोचो कि फ्रूट खाया और आपकी ब्लड शुगर लेवल तुरंत बहुत हाई हो गया, आपकी इंसुलिन रिस्पॉन्स हाई हो गई, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फ्रूट में सिर्फ आपकी फ्रुक्टोज ही नहीं होते हैं, उसमें फाइबर्स भी होते हैं, और उसका जो प्रॉपर्टी है वो ऐसा है कि वो आपको तुरंत ब्लड शुगर लेवल को रेज नहीं करता है, वो ग्रेजुअली आपकी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो आप बेफिक्र हो सकते, पर बेफिक्र होने का मतलब ये नहीं कि आप खूब सारा फ्रूट खाना चालू कर दो और कहीं पे भी मन हो आप फ्रूट खा लो। अगर आप डायबिटिक हो, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान मतलब क्या? सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ फ्रूट, मतलब आपको वैरायटी पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको मैंगो पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किलो, दो किलो, पाँच किलो मैंगो खा लोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको मैंगो के साथ साथ कोई दूसरा भी फल जितना उस टाइम पे, उस सीजन पे बाजार में मिलता है, वो सारा फ्रूट आपको खानी पड़ेगी। और ट्राई करना कि एवरी वीक एटलीस्ट 2 से 3 या 3 से 4 टाइप की फ्रूट तो आप कंज्यूम ही करें। एक ही टाइप की फ्रूट एवरी डे मत खाए, थोड़ा घुमा फिरा के वैरायटी पे ध्यान दे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फ्रूट हम खाएं कब। देखो, फ्रूट इटसेल्फ इज अ कंप्लीट फूड होती है। कंप्लीट फूड एज इन दिस इज बेस्ट फॉर स्नैक, ठीक है। तो ये एक हो सकता है कि आप दिन की शुरुआत कोई भी एक फ्रूट से करें, और या फिर आप इसको मिड मॉर्निंग या फिर अर्ली इवनिंग के टाइम पे करें। मतलब मिड मॉर्निंग मतलब आपकी जो ब्रेकफास्ट है और जो लंच है उसके बीच में जो टाइम आता है 11, 11:30 बजे, उस वक्त आप फ्रूट कंज्यूम कर सकते हो एज अ होल मील। मतलब आपने एक कटोरी लिया, उसमें 6-7 टुकड़ा पपाया ले लिया, वो एक मील कंसिडर किया जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे आप फ्रूट खा सकते, या फिर इवनिंग को जाके भी आप एक कटोरी फल खा सकते। दूसरी चीज जो आती है कि क्वांटिटी क्या होगी। दिन में आप 200 ग्राम फ्रूट मैक्सिमम खा सकते हो इफ यू आर अ डायबिटिक। 200 ग्राम मतलब क्या? मान लीजिए आपने एक स्टैंडर्ड साइज, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं, स्टैंडर्ड साइज बनाना लिया है, वो तकरीबन 90 to 120 ग्राम हो जाता है एक बनाना। और उसके साथ आपने कोई भी एक विटामिन सी रिच फ्रूट लेनी है। मतलब अगर आप डायबिटिक हो ना, तो 2 फ्रूट आप ले सकते हो दिन में, एक मीठा फल और एक कोई थोड़ा सा खट्टा सा फल जिसमें विटामिन सी हो। मतलब कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि आपने एक मौसम्बी ले ली, उसके साथ एक बनाना ले लिया, या फिर आपने एक मैंगो ले लिया और उसके साथ आप कोई भी और एक नींबू टाइप की कोई भी फल ले ली। तो 2 फल दिन में आप ले सकते हो, वो भी स्टैंडर्ड साइज। बहुत जन ये करते हैं कि मैंने एक मैंगो खाने को बोला है, मतलब बाजार में जाके सबसे बड़ा
जो मैंगो मिलेगा वो आप ले लोगे, ऐसा नहीं चलेगा, चीट आप खुद अपने आप को कर रहे हो। मैंगो अगर आप ले रहे हो तो 100 ग्राम के आस, मतलब आप देखा गया है कोई स्टैंडर्ड एक अगर मैंगो की साइज है जो ना तो छोटा है ना तो बड़ा है ऐसा वाला, उसका हाफ मैंगो आप खा सकते हो। अगर चीकू खानी है तो एक चीकू दिन में, उसके साथ कोई भी एक खट्टा वाला फल। जैसे कि मैंने बताया कि आप मिड मॉर्निंग या इवनिंग को एज अ स्नैक आप फ्रूट को लो, और जब आप फ्रूट खा रहे हो उसके साथ आप और कोई भी खाना मत खाओ। हमेशा क्या होता है ना कि आपने कोई एक खाना खाया, वो खाना खत्म कर रहे हो आप फ्रूट के साथ, क्योंकि वो मीठा है, ये आप थोड़ा अवॉइड करना। क्योंकि अगर आपने एक प्रॉपर फुल मील लिया है तो आपका शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल तब ऑलरेडी बहुत बढ़ा हुआ है, उसके ऊपर अगर आप फ्रूट खा रहे हो तो वो ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, और भी बढ़ जाएगा। तो उसको थोड़ा बैलेंस रखने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पेस आउट करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम दो, स्नैक के हिसाब से खाओ, और वो भी छोटा कटोरी, ऐसा नहीं कि एकदम एक बड़ा सा कटोरी लेके आप पूरा फ्रूट खा लो, फिर गड़बड़ हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। इफ इट वॉज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम हर संडे शाम के 7 बजे एक नए वीडियो पब्लिश कर रहे हैं, तो होपफुली वी विल बी मीटिंग सून विद सम अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन स्टे हैप्पीली हेल्दी, बाय बाय।